घर और किचन के कुछ ऐसे काम कठिन होते हैं जिन्हें हम सारा दिन करते फिर भी हमारे काम खत्म नहीं होते, वही हम टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा किया जाए तो हमारे काम काफ़ी आसान और सरल हो जाते हैं और हमारे लिए कुछ समय बच जाता है। तो ये हमारे कुछ टिप्स नए हैं, कुछ पुराने। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का टिप्स भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे नए हैं चैनल में प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो पहला टिप्स हमारा दोस्तों इस तरीके से, जो हमारे घर में सिम कार्ड होता है इस तरीके से हम सिम तो ऐसे लेते हैं मगर इसका जो सिम कार्ड खाली होता है उसका हम यूज नहीं करते, इसे हम कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बहुत काम की चीज़ है, तो देख लेते हैं इसे हमें कैसे यूज करना है। हमारे घर में जो चाबियां होती हैं बिन छल्ले की, इसे हम कहीं अपना ताला खोल लेते हैं, इसके बाद कहीं रख देते हैं, फिर हमें याद ही नहीं रहता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हमारे घर में सिम कार्ड होता है उसे हमें लेना है, इस तरीके से अपनी चाबियों को फंसा देना है। जितनी आपके घर में चाबियाँ हैं उतनी इस छल्ले में डाल सकते हैं, 8 से 10 चाबियाँ इसमें आसानी से आ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, वही हमारे कुछ समय भी बचता है और हमारे कुछ थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं, उससे काम आसान हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी चाबियाँ इसमें फंसा देंगे, इसके बाद कहीं भी इसको हम हैंग करके रख देंगे जिससे हम आसानी से इसे ढूंढ पाएंगे और हम अपने ताले को खोल पाएंगे। तो दोस्तों देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे काफ़ी काम सरल और आसान हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो काश आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हमारे घर में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं होता है और हम इन्हें वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी चीज़ है मगर हमारे बहुत काम की है। तो इस तरीके से हम अपनी चाबियों को रख पाएंगे अच्छे से और इसे हम अपना ताला आसानी से खोल पाएंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, हमें लेना है कांच की बॉल। जो इस तरीके से कांच की बॉल होती है वो हमें लेनी है और थोड़ी सी हमें डाल देनी है शुगर, थोड़ी सी चीनी डालना है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें लेना है चिल्ड ठंडा पानी, तरीके से डाल लेना है ठंडा पानी बिल्कुल। और अब हमें इसमें चीनी हमारी घुल गई है, अब हमारे घर में जो गमले होते हैं गमले में फूल होते हैं उनको हमें तोड़ लेना है। जैसे हमें सुबह कोई कहीं जाते हैं तो हमें फूल, किसी को काफ़ी फूल रखने की शौक़ होती है, अपने घर को सजा करके रखने की शौक़ होती है, तो इस तरीके से हम अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। हमारे गमले में 2 ही फूल थे तो हमने 2 ली है। ये काफ़ी अच्छी टिप्स है, आप इसे हजमा सकते हैं। अगर अपने घर में इस तरीके से टेबल में या कहीं मंदिर में कहीं आप इस तरीके से सजा करके फूल रखना चाहते हैं हर रोज़ के लिए, तो इस तरीके से आप अपने घर को सजा सकते हैं, इस तरीके से फूल रख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और इसी तरीके से रखना है, इसमें हमें डुबोना नहीं है, इस तरीके से हमारे काफ़ी अच्छे से रहेंगे और हमारे जो फूल सूखेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम अपने फूलों को कुछ दिन के लिए रख सकते हैं। तो अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं, अगला टिप्स हमारा दोस्तों इस तरीके से, जो किसान जैम का जो टमाटर सॉस होता है उसके इस तरीके से जो पैक होते हैं, जो खाली पैक होते हैं उन्हें हम दोस्तों फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे काफ़ी अच्छा टिप्स है और हमारा काफ़ी अच्छा ये काम देगा और इसे हम भूलकर ना फेंकें, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज़, इसकी काफ़ी पन्नी बहुत आती है। इसका वीडियो हो और हमने अप्लाई किया है तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी गुनगुना करना है जिससे हमारी फिंगर जाए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है। अब जैसे कि या तो हमारा कहीं
इस तरीके से आसानी से उभर ले। जैसे हमारा पैर दर्द होता है, एड़ी कभी कभी दर्द होने लगती है, या फिर हमें इंजेक्शन लगा उसमें हम गर्म पानी से सेकते हैं तो इसके लिए, या फिर हमारा पेट दर्द होता है कहीं भी इसको हम सेकते तो हमारा जो इंजेक्शन लगा था हम उसको सेक करके दिखा रहे। तो इस तरीके से हम अपना गर्म पानी करके इसे कहीं भी सिकाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारी एड़ी दर्द होती है इसके हम इसे भी आराम से सेक सकते हैं। और इस तरीके से तो दोस्तों ध्यान देना है हमें ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना है। इस तरीके से बॉटल हमारी बहुत एक गर्म बॉटल का काम करती है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम कहीं जाते हैं तो इसमें हम घी है या बच्चों के लिए दूध वगैरह और जैसे तेल वगैरह हम कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। काफ़ी मजबूत है और इसमें ढक्कन भी है। तो इस तरीके से हमने हैंड को और इस तरीके से कहीं भी इसको हम अच्छे से सिकाई कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे घर में पैकेट आते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, हमें पता नहीं होता हमें इसे कैसे यूज करें, इन्हें हमें बेकार समझ के एक कचरा समझ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, इसे हम कहीं भी इस तरीके से खड़ा करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से पैकेट के भूलकर भी मत फेंकिएगा और काफ़ी काम में आती है हमारी। अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट भी जरूर बताइएगा। अब अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। इस तरीके से सुबह हम लेडीजों को काफ़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत जल्दी पड़ती है कि हमें जितना जल्दी हो जाए और फिर हम किचन से जितना जल्दी बाहर निकले उतना हमें आराम मिलता है। हम लोग भी थोड़ा टाइम मिले तो हम लोगों को थोड़ी तसल्ली मिलती है। तो जैसे गरम लौकी है या फिर आलू है इस तरीके से मसले लेंगे झाबे और इस तरीके से गिलास से काफ़ी अच्छे से हमारी लौकी है या फिर आलू है कोई भी चीज़ गर्म है तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसे मसल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए कुछ टाइम बच जाता है और हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम गर्म भी बहुत आसानी से इसे छील सकते हैं। या फिर आलू हमारा है जैसे नकोना है तो इसी तरीके से हम आलू को नको सकते हैं और मसल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स है मगर हमारी बहुत काम की है। अगला टिप्स देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। इस तरीके से जो झाड़ू होती है, झाड़ू क्या होती है दोस्तों, हम झाड़ लेते हैं कहीं से हम इधर पटक देते हैं कहीं उधर पटक देते, तो झाड़ू हमारी एक लक्ष्मी माँ होती है। इसको हम एकांत में रखें जिससे हमारी किसी को नजर ना पड़े। तो दोस्तों इतना जितना इसको हम संभाल के रखेंगे उतनी हमारे घर में बरकत होती। तो दोस्तों हमें क्या करना, लेना है इस जो छेद दिख रहा है इसे हमें छेद करना है। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दोस्तों कर दिया है छेद। इस तरीके से अगर आपको नहीं हो रहा तो गर्म करके भी किसी चीज़ से कर सकते हैं। तो आपके पास धागा हो या फिर कोई चीज़ हो, इस तरीके से हमने ले ली है इलास्टिक हो ठीक, तो इसे हमें यहीं बांध देना है। तो दोस्तों हमारे घर में झाड़ू होती है तो झाड़ू को हमें बहुत सेफ से अच्छे से रखना है। झाड़ू हमारी इधर उधर कहीं नहीं रहे, जो हमारी झाड़ू है झाड़ू हमारे किसी दूसरे के नज़र में ना आए। तो झाड़ू हमें इस तरीके से रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमें बड़ी आसानी से हमें छेद हो जाता है। इस तरीके से कोई कपड़ा धागा नहीं तो आप कोई कपड़ा धजीर इस तरीके से फाड़ लीजिएगा और इस तरीके से छेद करके इसको गांठ बांध दीजिएगा। अब हमने यहाँ गांठ बांध दी, अब इसको हम इस तरीके से कहीं भी इसको हैंग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसे कहाँ रखना वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं इसे हमें कहाँ छुपा कर, जैसे हमारा गेट है गेट के पीछे कुछ इस तरीके से हैंगर बना लो, अगर नहीं बनाए उसी के पीछे से हम टांग देंगे तो हमारी झाड़ू किसी को नहीं दिखेगी। अगला टिप्स देख लेते हैं, हम आलू उबालते हैं फिर दाल उबालते हैं, कुछ देर रखा रहता है तो हमारा इसी तरीके से जो कुकर है बेकार हो जाता है, एकदम काला पड़ जाता है और पीला पड़ जाता है। तो हमें क्या करना, छोटी सी टिप्स है, जो बच्चे पेप्सी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो लेना है बस, और थोड़ा सा डाल देना, इसके बाद हमें इसे कुछ नहीं करना, इस तरीके से हिला देना है। तो इस तरीके से हमें हिलाने ही मात्र में हमारी जो इसमें इधर उधर कालापन है पीलापन है वो आसानी से आ जाए। तो देख सकते हैं हिलाने ही मात्र 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारा कुकर एकदम क्लीन होकर के रेडी होगा। अब हम लेंगे इस कवर, जो आपके पास हो वो ले सकते हैं, जूना जैसे बोलते हैं, और जो आपके पास जो आप यूज करते हैं पाउडर साबुन वो लेकर के इसे इस तरीके से रगड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं बाहर अंदर हम सब जगह इसको रगड़ देंगे। तो 5 मिनट में हमारा जो कुकर है बहुत आसानी से एकदम साफ हो जाए। 5 मिनट तो बहुत है, 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारा कुकर एकदम चमक जाएगा। एक बार आप लाइक जरूर कीजिएगा। अब अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं, बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की तरफ।
इस तरीके से जो जार होते हैं हने के या फिर कोई कांच का किचन में एक दो कंटेनर जरूर होते हैं तो उन्हें साफ करने की काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना, जो हमारे हर घर में चाय बनती है, चाय बनने के बाद जो इस तरीके से चाय बचती है वो हमें अपने कंटेनर में डाल देना है। एक छोटा सा आइडिया है, आपके घर में बड़े कंटेनर हो या फिर छोटे हैं, हर कंटेनर इससे हम साफ बड़ी आसानी से करना, हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे हम कट रहे हो उसे आप देखते जाइएगा, आप बहुत आसानी से अपने कांच के कंटेनर जो कंटर है वो बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं, जो डिब्बा डिब्बी है इस तरीके से, और इसको थोड़ा पानी डालेंगे, हिला देंगे और हमारा बड़ी आसानी से कांच का बाउल भी है या फिर कोई अभी लैंप कहीं देहातों में जलता है वो भी बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से कांच के जो डिब्बा डिब्बी है बहुत आसानी से साफ कर सकते, एक बिल्कुल फ्री का आइडिया है, इसे इस तरीके से हम आसानी से साफ कर पाएंगे। अब अगला टिप्स देख लेती है दोस्तों, बरसात आ रही है या फिर हम मार्केट से लेकर आए हैं किसी ज़रूरी काम से, हमको इसे पिसाना है और हमारे गीले हैं, धूप भी नहीं निकल रही, हमारे घर में धूप भी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे। अर्जेंट का एक बहुत अच्छा जुगाड़ू किचन टिप्स है जो हम देख लेते हैं, बहुत छोटा सा आइडिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमें पहले कपड़ा लेना है, कपड़ा के ऊपर थोड़ा सा हमें इस तरीके से पतला पतला बिछा देना, इसके बाद इसको हमें ढक देना है। अब आप सोच रहे हैं इसे ढकने से कैसे सूखेंगे, तो हमें लेना है प्रेस, आयरन लेना है, इसके ऊपर हमें इस तरीके से घुमा देना, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, हमारे एकदम कड़ाकेदार कड़क कड़क जो होते हैं एकदम दांत से चबा करके देखेंगे तो हमारी एकदम कड़कड़ाकेदार दांत से चबेगी भी नहीं, इतना कड़क हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अर्जेंट में अपनी दाल को सुखा सकते हैं, फिर इसका हम बेसन बनाएं या फिर हम दाल बनाएं, जो आप बनाएं वो बना सकते हैं, या फिर हमारे दाल भींज गए हैं फिर इसके हम कंटेनर में अपने जो डब्बा है उसमें भरकर कंटर में रख सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, प्याज बाद में कटता है, पहले हम रोने लगते हैं, तो प्याज काटने के 2-3 मिनट पहले हम इसको पानी में भिगो देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम अपने प्याज को काटेंगे और उसका जो ऊपर का छिकला है काफ़ी आसानी से निकल जाता है, इस तरीके से हम अपने प्याज को ढेर सारा काटेंगे, फैन के नीचे बैठ के काटेंगे तो भी हमारे प्याज से कोई भी जो इसकी धार होती वो नहीं उड़ेगी। इस तरीके से हम अपने प्याज को बहुत आसानी से छोटा छोटा कट कर सकते हैं दोस्तों। छोटे छोटे टिप्स हैं मगर बहुत काम के हैं, हमारी किचन में जितनी हम बहनों को हेल्प मिल जाए उतना हमें काफ़ी आसान होता है, जितनी जल्दी हमारे किचन का काम हो जाए उतना हमें आराम मिलता है। तो दोस्तों आप क्या है दोस्तों, हम लोग अपने साल भर के लिए या फिर कुछ दिन के लिए अनाज भर करके रखते हैं तो हमारे घर में कीड़े पड़ जाते हैं, तो दोस्तों आज के बाद आपके घर में कीड़े बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। छोटा सा टिप से लेना है हमें कपूर, अब जैसे हमारी 50-60 किलो की टंकी है उसमें हम भर रहे, तो हमें कागज़ में बंद करके एक गांठ लगा देनी, इसके बाद हमें बीचों बीच रख देना है, और ध्यान रखना है जो हमारा अनाज है गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, तुरंत ढक्कन नहीं लगा, इस तरीके से फिर हम ऊपर रख देंगे, इससे हमारे कीड़े नहीं पड़ेंगे और काफ़ी आसान हो जाएगा, हमारे सालों साल रखा रहेगा। अगला टिप्स देख लेते हैं इस तरीके से दोस्तों, जब हमारे बच्चे गर्मियों को खास गर्मियों के दिन हम फैन के नीचे बैठ कर के पढ़ते हैं तो हमारे जो पेज होते हैं इधर इधर उड़ते रहते, तो इसका छोटा सा टिप्स है, या फिर बड़े हो या फिर बच्चे हो कोई भी हो तो परेशान हो जाते हैं। अब हमें लेने हैं ये क्लिप, जो हेयर क्लिप होती है वो लेना है, इस तरीके से हमें इसको लगा देना है, इससे क्या होता है जो हमारे पेच हैं उड़ेंगे नहीं, काफ़ी आसान होंगे, हम लोग परेशान नहीं होंगे, इस तरीके से अगर बच्चों को दे देंगे तो बच्चे हमारे काफ़ी शौक से पढ़ेंगे भी और परेशान नहीं होंगे, इस तरीके से हमारा पेच भी नहीं उड़ेगा। अगला टिप्स देख लेते हैं, इस जो बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान होता है उसमें जो गिलास आते हैं जैसे रानी के बाल, तो इसमें रानी के बाल आए थे, इसको दोस्तों ऐसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमें मगर पता नहीं होता, इन्हें हम बेच समझ कर फेंक देते, तो इस तरीके से हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे इस तरीके जो कान की सीख होती है वो इस तरीके से इसके पैकेट खुल जाते हैं, इसके बाद हमारा गंदा हो जाता है, तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से रख देंगे तो हमारे देखने में भी अच्छा लगेगा, चाहे कहीं हम रखेंगे तो उसे हमें साफ सुथरा दिखेगा, तुरंत हम बेच के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला टिप्स है दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी पेन काफ़ी स्केच हो जाते हैं, इस तरीके से ढेर सारे पेन स्केच हो जाते हैं और इसकी जो पन्नी होती है वो हमारी कहीं फट जाती है तो इसे हम फेंक देते हैं। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके से ढेर सारे पेन हैं पेंसिल हैं, इसे फिर हम कहाँ रखेंगे,
और फिर क्या कोई पन्नी में बंद करके या फिर हम बच्चों को बॉक्स लेना पड़ता है, तो ना हमें बॉक्स लेना, इस तरीके से जो रानी के बाल बाला ये डिब्बा है वो हमें लेना है और इस तरीके से ढेर सारे हम इसमें रख देंगे जिससे कि हमारे काफ़ी आसान होगा। और इस तरीके से शौक से छोटों बच्चों को तो बहुत शौक होता है इस तरीके से, अगर उन्हें कोई नई चीज़ मिल जाए जिससे कि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा और इस तरीके से बच्चे भी बहुत शौक से बार बार बैठ के पढ़ेंगे। इस तरीके से हम टेबल में रखते हैं, फिर कहीं अलमारी में रखते हैं जिससे कि हमारे सारे पेन पेंसिल बहुत अच्छे से रहेंगे तो इस तरीके से गंदे भी नहीं होंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से हम महंगे महंगे गजरा लेकर के आते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, खुशबू के कारण हम लोग और शौक से लेते हैं। कुछ दिन इसकी खुशबू रहती है फिर इसके बाद निकल जाती है, या फिर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें परफ्यूम लगा के जाना, परफ्यूम कुछ देर हम लगाते हैं इसके बाद हमारी परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो निकल जाती है। अगर हम इस तरीके से अपने जूड़े में कोई भी जूड़ा लगाए या फिर गजरा लगाए उसमें डाल लेंगे तो हमारी बहुत अच्छी सी महक आएगी। एक छोटा सा आइडिया है, काश आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो अप्लाई ज़रूर करें। इस तरीके से मांग बेंदी हो या फिर इस तरीके से मारवाड़ी टीका हो या राजस्थानी हो तो हमारी ये कुछ देर तो हमारे लगे रहते हैं, फिर हम अगर नाच डांस करते हो या फिर हमारा कोई ज़्यादा काम करते हो तो हमारा इस तरीके से पलट जाता है। अधिकतर जो सिंपल बेंदी होती है मांग टीका वो हमारा इस तरीके से पलटता रहता है। तो एक छोटा सा जुगाड़ है, हमें लेना है डबल टैप, इस तरीके से डबल टैप लेना है, इसको हमें थोड़ा सा कट कर लेना है और जहाँ इसकी थोड़ी सी जगह है वहीं हमें इसको लगा देना है। जब हम लगाने चलें तब इसको हमें इस तरीके से लगाना है, जब हम तैयार हो जाएं, जब मांग टीका को लगाएं तो इस तरीके से हल्के हाथ से दबा देंगे, इससे हमारा ना गिरेगा ना हिलेगा, एक जगह हमारा रखा रहेगा। तो काश आपको ये भी आइडिया अच्छा लगा हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, तो कमेंट में बताइएगा सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा। तो इस तरीके से हम अपने मांग टीके को या फिर मारवाड़ी टीका है जो राजस्थानी है जो भी है हम इस तरीके से बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अब अगला टिप्स देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों हम लेडीजों को चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी जो हमारी टैट पहने जैसे हमारे डेली की या फिर हमें अच्छी लग रही है, टैट भले हो मगर हमें अच्छी लगती है, पहन तो लेते हैं फिर दिक्कत हमें क्या होती है कहीं हमारी ये पहनते उतारने के टाइम हमारी चूड़ियाँ टूट ना जाए। तो एक छोटा सा टिप है देख लेते, पतला वाला लेना है हमें जुराब, जो इस तरीके से पतला वाला जुराब होता है वो हमें ले लेना है, इस तरीके से लेना है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम अपनी चूड़ियाँ फंसा देंगे इस तरीके से, मोजे के ऊपर लेना है। अब इसको हमें उल्ट देना है इस तरीके से, आराम आराम से हम अगर इस तरीके से खिसकाएंगे तो हमारी चूड़ियाँ बहुत आसानी से सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी, ना हमारी ये बेकार होगी ना कुछ, और बहुत आसानी से हमारी उतर करके आ जाएंगी। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको दिक्कत आए तो इस तरीके से जुराब के हेल्प से अपनी ये चूड़ियाँ उतार सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं क्या होता है। जार हमारा जो जार का रबड़ होता है ढीला हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, मसाला पीसते हैं तो हमारा सारा फैल जाता है, हमारी जो मिक्सी होती है वो गंदी हो जाती है। तो हमें लेना है एक बैलून, बैलून का ऊपर का हिस्सा कट कर देना है और थोड़ा नीचे का हिस्सा कर देना, हमें बीचों बीच इसको कट कर लेना है। जो बीच का पार्ट होता है थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा फुगत भी होता है, तो वो हमें लेना है इस तरीके से। अब इसको जो खोल लेना है थोड़ा सा इस तरीके से हमें लगाना है। अब हमारा जो टैट है उसको हम इस तरीके से बीच में फंसा देंगे जिससे कि हमारी ये रबड़ काफ़ी टैट हो जाएगी। अब हम मसाला में कोई भी चीज़ पीसेंगे तो हमारा नीचे नहीं गिरेगा, इस तरीके से हम अपने जार को टैट कर सकते हैं जो जार की रबड़ होती है। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, जो बच्चों को जो ये पेन बॉक्स होता है ये काफ़ी हमारे काम की चीज़ है, तो चलते हैं अर्जेंट में कभी भी हम फंस सकते हैं तो ये हमारा छोटा सा टिप्स आपको काम आएगा। अब जैसे हमें कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है तो हमारा जो मेकअप का सामान होता है वो हमें लेकर के जाना ही जाना पड़ता है, तो हमारे पास कोई ऐसा पर्स नहीं है जिसमें हम लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का जो पेन बॉक्स होता है वो हम इस तरीके से थैले को लेकर के जाते हैं, इसमें हमारा काफ़ी सामान आ जाता है, जितना हमें ज़रूरत पड़ता है मेकअप का सामान वो हमारा सारा इसमें फुल हो जाता है। तो इस तरीके से अपने पर्स में डालें या फिर ऐसे ले करके जा सकते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी टिप्स हैं मगर बहुत काम की, तो इस तरीके से हम अपने छोटे छोटे काम, छोटी छोटी
चीज़ों से बना सकते हैं और काफ़ी देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं भी पार्टी फंक्शन या हमें लेकर के जाना है तो इस तरीके से बॉक्स लें या फिर हर जगह ये मिल जाता है, तो इस तरीके से लेकर के हम जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। इस तरीके से जो किसान जैम के जो कांच के डिब्बे होते हैं, इस तरीके से कंटर होते हैं जी, हम बहुत पुगत होते हैं, इसे हम इस तरीके से वेस्ट में ना जाने दें। जैसे हमारे घर नमक होता है, नमक हम हमेशा हमको रखना चाहिए जो कांच के कंटर हो, प्लास्टिक के कंटर में भूल के भी नहीं रखना है। तो चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमें कंटर को जो नमक है सॉरी हमें कैसे रखना चाहिए। पहले हमें नमक को डाल देना है, आधा हमें डिब्बा नमक से भर देना है। इसके बाद लेना है हमें इस तरीके से कुछ लौंग लेना है। हमने ये तीन फूल वाली लौंग थी मेरे पास, मैंने ले ली है। तो आपके पास तीन चार पांच जितनी आप, पांच से ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरीके से हमारा छोटा कंटर है तो इसलिए हमें तीन डाले। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और लौंग हमारी बहुत ही इस शरीर को सेहतमंद होती है। तो इस तरीके से हम अपने जो कंटर होता है नमक के उसमें रखेंगे तो इससे हमारे पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से भूल कर भी जो अपने घर का नमक है, जो मालिक है, इसका अपमान नहीं करना है, ज़मीन में इसको बिल्कुल नहीं फैलने देना है और भूल कर भी इसे प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना और स्टील की चम्मच तो कभी नहीं डालना, क्योंकि उसमें काई लग जाती है। काई हमारी नमक में छूटती रहती है, वो हमारे अंदर जाती है, फिर हमारे पेट में वो बीमारी का कारण बन जाती है। अगला टिप्स देख लेते हैं। जो हमारा नमक है, जो पैकेट है, कोई भी पैकेट है, अगर हमारा खुल गया है तो इस तरीके से अगर हम खाना बनाते हैं उसी टाइम हम अपनी पन्नी को इस तरीके से दोबारा से फिर इसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे पैकेट बंद हो के आता है उस तरीके से, इस तरीके से हम फिर अपने पैकेट को बंद करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पैकेट को बंद कर लिया है, फिर या मोमबत्ती जला लें, गैस को नहीं जलाना तो मोमबत्ती जला सकते हैं, उससे हम आसानी से इसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने नमक को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब हम खाना बनाते हैं तुरंत हम अपनी गैस को साफ करते हैं, तो ये गलती भूल के नहीं करना। इससे हमारी लक्ष्मी माँ जो हमारे घर के जो देवता होते हैं, वो पितृ होते हैं, वो रूठ जाते हैं। तो तुरंत हमें नहीं करना है, गर्म होती हमारी गैस तो इसको बाद में हम करें। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों। आपको कैसे लगे? अगर हमारा टिप्स अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में